हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे लेक्चर पर। तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि कर्व स्केचिंग के बारे में, वहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया जो कि न्यूटन्स सरपेंटन कर्व एग्जांपल के तौर में हमने लिया था और उसी को हमने ड्रॉ किया था। तो आज उसी लेक्चर से बेस्ड हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिस कर्व को हम कहेंगे विच ऑफ एग्नेसी। तो ये भी एक कर्व है, या आप कह सकते हैं फैमिली ऑफ कर्व या कर्व। अब इस विच ऑफ एग्नेसी को हम कैसे कैलकुलस का हेल्प लेकर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूँ प्रणव, चलिए शुरू करते हैं कैलकुलस। एग्जाम्पल के तौर में जैसे 8x2+4। अब इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे? तो हम जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने जितने भी स्टेप बताए हैं वो सारे स्टेप हम इस एग्जांपल में भी हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें फंक्शन का डोमेन के बारे में हमको आइडिया लगाना है। तो यहाँ से आप देखिए, इस फंक्शन का, ये भी एक रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन का, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेशनल फंक्शन का डोमेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं रेशनल फंक्शन एक्चुअली इट इज ए रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स एंड न्यूमरेटर पोलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर पोलिनोमियल का अगर हमें डोमेन पता है तो हम इन दोनों डोमेन का हम इंटरसेक्शन कंसीडर करते हैं। और हमको कि ऐसे भी एक मतलब हमको वो पॉइंट उस डोमेन से हमको निकालना है जिस पॉइंट पर क्यू ऑफ एक्स 0 होगा। ठीक है, तो ये सारे, ये जो हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ रेशनल फंक्शन, आप मेरे फंक्शन के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाकर आप देखिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अगर पी ऑफ एक्स देखेंगे तो 8 है एंड क्यू ऑफ एक्स देखेंगे तो x2+4। तो पी ऑफ एक्स इज 8, क्यू ऑफ एक्स इज x2+4। तो पी ऑफ एक्स, ये इसका डोमेन है, हो गया ऑल रियल नंबर, और इसका भी डोमेन आपका ऑल रियल नंबर है क्योंकि ये सिंपली एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। और इसका आप अगर ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो आप ग्राफ से भी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वाई इक्वल टू x2 एक पैराबोला है, और x2+4 जस्ट आप इसको ऊपर की तरह शिफ्ट कर दीजिए, जो बेस है ये 4 की तरह होगा। तो आप देखिए, इट दिस पॉलीनोमियल एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सेकेंड क्या था, हमको सिमेट्री देखना है कि इज देयर एनी सिमेट्री इन दिस फंक्शन। तो सिमेट्री मीन्स हम वी हैव टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज ऑड और इवन। तो यहां से हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं। तो लेट मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x2+4, वी विल रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स एंड अल्टीमेटली विल गेट 8x2+4 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से सिमेट्री के बारे में हमको, हमें क्या पता चला कि दिस फंक्शन इज इवन। तो सिमेट्री इज इवन। नेक्स्ट हमको फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते हैं, पहले एफ प्राइम एक्स दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे देखिए यू बाई वी डिविशन रूल का हम यूज़ करेंगे, बाई होल स्क्वायर x2+4, ये 8 अब 0 करेंगे तो इंटू 0 एंड माइनस 8 इंटू 2x। अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं यहाँ पे -16x/x2+4 होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, x2+4 होल स्क्वायर, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिलेगा -16 एंड अगेन प्लस, क्योंकि देखिए फॉर्मूला का एक माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो -16 एज ए होल, मैंने इसको यू आई हैव टेकन एज -16x एंड वी आई हैव टेकन एज x2+4 होल स्क्वायर एंड देन यू यूज द यू बाई वी
फॉर्मूला। तो यहाँ प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 16x एंड आपको यहाँ पे मिलेगा 2x² प्लस 4 इंटू 2x। ठीक है, तो यहाँ से हम x² प्लस 4 कॉमन लेते हैं, x² प्लस 4 माइनस 16 प्लस 16x, यहाँ पे 16 फोर द 64 x² एंड यू विल गेट हियर x² प्लस 4 होल। ठीक है, हमने यहाँ से x² प्लस 4 एक टर्म कॉमन लिया है और नीचे भी एक टर्म हमने ऊपर और नीचे से एक टर्म हमने कैंसिल कर दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर दिस, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये वाला आप नोट कर लीजिए एफ प्राइम एक्स आपके कॉपी में, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये सब चीज़ें की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। करके हमें क्या मिलेगा कि एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल टू माइनस 16x² माइनस 64 प्लस 64x², दैट इज x² प्लस 4 होल एंड यू विल गेट 48x² माइनस 64, दैट इज x² प्लस 4 होल। तो नेक्स्ट, आफ्टर कैलकुलेटिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स, तो आप अगर हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखेंगे, मैंने क्या लिखा था, माइनस 16x बाई x² प्लस 4 होल स्क्वायर। आप देखिए ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये भी एक रेशनल फंक्शन है। ठीक है, आप ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, एंड इफ यू चेक कि दिस इसका भी डोमेन आपका ऑल रियल नंबर होगा, दैट इज डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर एंड दिस डोमेन इज द सेम एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अब इस डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अनडिफाइंड होगा, दैट मीन्स तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर, जैसे मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द इंटीरियर पॉइंट्स वेयर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज आइदर जीरो और अनडिफाइंड। तो इस डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा इंटीरियर पॉइंट नहीं है जहां पर मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अनडिफाइंड होगा, तो ओनली दोज पॉइंट्स आर लेफ्ट जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो सकता है। तो हमको कैलकुलेट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स एफ प्राइम एक्स इक्वल टू जीरो, एंड यहां से आप देख सकते हैं कि ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बिकम जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे देखिए इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इफ न्यूमिनेटर बिकम जीरो, ठीक है, न्यूमिनेटर बिकम जीरो देन माई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बिकम जीरो। तो यार एफ प्राइम एक्स इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक ही पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट्स का बिहेवियर क्या है, नेक्स्ट काम है कि इस क्रिटिकल पॉइंट में आइदर मैक्सिमा है या मिनिमा है या सैडल पॉइंट है, तो हमको यह देखना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हेल्प लेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हमें कैलकुलेट करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो। इफ यू पुट हियर एक्स इक्वल टू जीरो, आप देखेंगे नीचे वाला पोर्शन देखिए, x² प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी वैल्यू आप पुट करिए x का, दिस पोर्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, देन ओनली न्यूमरेटर का साइन, आप न्यूमरेटर का साइन विल डिफाइन द साइन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इफ आई पुट x इक्वल टू 0 एंड द न्यूमरेटर आई विल गेट माइनस 64 मीन्स नेगेटिव। तो लेट मी कैलकुलेट फॉर यू, एफ डबल प्राइम इक्वल टू 0 मुझे मिलेगा माइनस 64 बाई 4 की। तो यू विल गेट या यू मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ प्राइम 0 इज लेस देन 0, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 इज माई मैक्सिमा। ओके, तो ये मेरा एक काम बन गया। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है कि किस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो चलिए देखते हैं। अब इंटरवल हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा डोमेन को सब इंटर मतलब डोमेन को इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब उसी इंटरवल में हमें चेक करना है कि वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाय चेकिंग द साइन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर उस इंटरवल में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है दैट मीन्स माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव दैट मीन्स माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे वेरी इजी है कि यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू जीरो इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो
ये पूरे डोमेन को नाउ दिस इज माय फंक्शन डोमेन इज ऑल रियल नंबर जीरो, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट सीपी में लिख लेता हूँ। अब अगर आप एक्स ग्रेटर देन जीरो है, यू कैन सी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, हियर द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नो मैटर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, आप न्यूमरेटर की तरह देखिए, न्यूमरेटर इज देर इज एक्स्ट्रा माइनस साइन, तो दैट मीन्स एफ प्राइम एक्स विल बी लेस देन जीरो हियर एंड एफ प्राइम एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो हियर। तो दैट मीन्स माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग, हियर माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये भी बात हमको पता चल गया। ठीक, नेक्स्ट हमें अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में जानना है और फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसी फंक्शन के डोमेन के अंदर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसी पॉइंट में होगा जहाँ पे आइदर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होगा या अनडिफाइंड होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का देखिए फॉर्मूला लिखा था 48x² - 64x² + 4³। फ्रॉम हियर ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑल्सो इरेशनल फंक्शन एंड यू कैन सी कि इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर है। ठीक है, अब दैट मीन्स विद इन एंड दिस डोमेन इज द सेम एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, कि वो फंक्शन के डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा अनडिफाइंड होगा। तो वही पॉइंट्स में हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सर्च करेंगे जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज जीरो, सॉरी नॉट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज जीरो। तो यहाँ पे मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट मतलब जगह में मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दिया, फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू जीरो सेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो एंड वी विल कैलकुलेट फॉर दिस x² = 64/48। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 4/3 एंड x = +-2/√3। तो नाउ दिस इज द दिस आर द पॉइंट्स प्लस 2/√3 एंड -2/√3। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ -2/√3। अब ये दोनों पॉइंट में हमको चेक करना है कि वेदर दिस पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और नॉट। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम कैसे चेक करेंगे, हमेशा चेक हम इसलिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट में हम देखेंगे कि वेदर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेंजेस साइन और नॉट। ठीक है, मतलब चेंजेस साइन और नॉट, अगर लेफ्ट टू राइट में अगर हम मूव करते हैं और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका साइन चेंज करता है, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि माई फंक्शन इज कॉन्केव डाउन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है कोई एक इंटरवल में तो हम कहेंगे माई फंक्शन इज कॉन्केव अप। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर कॉन्केविटी चेंजेस, तो वी हैव टू चेक। तो आप यहां से देख सकते हैं सिंपली कि क्या तो एक और चीज आप गौर करिए, ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका जो साइन है वेदर इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द न्यूमरेटर बिकॉज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो न्यूमरेटर का अगर मैं थोड़ा बहुत ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, तो ये ग्राफ इज ऑलवेज वेरी इजी, इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ देन इट सेव्स योर कैलकुलेशन। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज x², दिस हैज सम कॉन्स्टेंट एंड तो यू नो k टाइम्स x² इट इज अ ग्राफ लाइक दिस एंड -64 देन दिस ग्राफ विल बी मे बी शिफ्टेड हियर। ठीक है, तो ये देखिए नाउ दिस इज कंसीडर दिस इज माय ग्राफ 48x² - 64, दीज आर द टू जीरोस जो विच हैव कैलकुलेटेड। नाउ यू कैन सी कि अगर ये दो जीरो के बीच में कि -2/√3 एंड 2/√3 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स का, मतलब न्यूमरेटर का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि न्यूमरेटर का साइन अगर पॉजिटिव है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव होगा, न्यूमरेटर का साइन अगर नेगेटिव है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होगा। तो हियर यू कैन सी 2/√3 से अगर हम ज़्यादा राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो माई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, -2/√3 से लेफ्ट साइड में है तो अगेन माई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। लेकिन इन बिटवीन दिस टू जीरोज
माई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव। सो आई कैन से, मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ कि दिस माइनस टू बाई रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री, हेयर पॉजिटिव, हेयर पॉजिटिव एंड इन बिटवीन देर इज नेगेटिव। सो हेयर कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन थ्रू आउट द इंटरवल एंड अगेन अप। ओके, सो दीज, सो नाउ यू कैन, अभी हम श्योरली कह सकते हैं कि दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि अब अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे तो देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हियर अगेन यू कैन सी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स कॉन्केविटी चेंजेस। ओके, एंड कॉन्केव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन में एक और चीज था कि एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यू, मतलब देयर मस्ट बी अ टेंजेंट लाइन, सो ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये सब, क्योंकि आपने देखा कि इस इंटरवल के अंदर, फंक्शन के डोमेन के इंटरवल के अंदर हर एक पॉइंट में आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स यू कैन इजिली ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। These are the point of inflection. So now, अभी हम asymptotes के बारे में, last and last होता है हम क्या करते हैं कि asymptotes. Asymptotes means कि how my function behaves when x tends to plus minus infinity. You can see. So this is very easy. You divide by x square. 1 plus 4 by x square, and you can see if you plug in, because we know the limit x tends to plus minus infinity 1 by x square is 0, and you ultimately get here 0. So asymptotes, there is a horizontal asymptote which will be the x-axis. Okay, x-axis aapka asymptote hoga. Okay, when x tends to infinity my function tends to 0. So function ko aap to aisa plot karte hai, y-axis, the value of the function या आपका वाई एक्सिस में प्लॉट होता है और ये दिस इज एक्स एक्सिस, तो आप जैसे जैसे एक्स मूविंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी योर फंक्शन वैल्यू इज मूविंग टुवर्ड्स जीरो, दैट मीन्स दिस एक्स एक्सिस विल बी द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। एंड वन मोर थिंग, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट में हमको देखना है कि वी हैव टू कैलकुलेट वाई इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट। So there is no such x-intercept because there is no such value of x for which this whole function will become zero. Lekin there is a y-intercept. Okay, agar aap, y-intercept means x equal to zero. If you put x equal to zero, you can easily calculate what will be the y-intercept. So y will be 8 by 4 when x equal to zero, that is 2. Now ye sare information we ek sath likhte hain and then we will plot the graph. देखिए पहले हमने डोमेन लिखा, नंबर वन डोमेन दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, नंबर टू सिमेट्री इवन, नंबर थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स सीपी, क्रिटिकल पॉइंट्स एक्स इक्वल टू जीरो एंड बिहेवियर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम विल बी देयर। ठीक है, नंबर फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो फंक्शन डिक्रीजिंग, एक्स लेस देन जीरो फंक्शन इंक्रीजिंग, नंबर फाइव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू बाई रूट थ्री, नंबर सिक्स माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू बाई रूट थ्री कॉनकेव अप, माइनस टू बाई रूट थ्री टू टू बाई रूट थ्री कॉनकेव डाउन एंड अगेन 2 by root 3 to infinity concave up. Asymptotes आपका हो गया, horizontal asymptote is x-axis. ठीक है, and last most and last point is intercept, that is y equal to 2 at x equal to 0. तो these are the point, पहले हमने domain, फिर symmetry, then critical points, critical points में behavior, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड कॉन्केविटी अप डाउन अप, एंड देन एक्स एक्सिस इज द एसिम्प्टोट एंड वाई इंटरसेप्ट
at x equal to 0, y, the value of y is 2. So now we will use this point to draw the graph. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो हम एक ही साइड का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो हम लेफ्ट साइड का ग्राफ हम इजीली आइडिया कर सकते हैं, बिकॉज इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. तो वी विल कंसीडर ओनली द राइट पार्ट. तो शुरू करते हैं, जैसे ये ओरिजिन, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट. यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हम 2/√3 एंड फिनिश. तो आप यहाँ पे देखिए कि व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो माई फंक्शन इज, एंड जीरो इज द पॉइंट वेयर फंक्शन मैक्सिमा विल लाइज. तो उसे मैक्सिमा ले, और जीरो में हमने फंक्शन का वैल्यू भी देखा, दैट इज टू. एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो में आप देखिए मेरा फंक्शन पॉजिटिव है. तो इफ माई फंक्शन इज पॉजिटिव तो इट विल अप्रोच दिस एसिम्प्टोट फ्रॉम द अपसाइड डिरेक्शन. ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए जीरो से 2/√3 तक, क्योंकि हमने क्या देखा कि -2/√3 टू 2/√3 कॉनकेव डाउन, ठीक है, एंड देन 2/√3 टू इन्फिनिटी कॉनकेव अप. तो ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 2 आपका मैक्सिमम पॉइंट है. तो कोई भी मैक्सिमम पॉइंट में आपका ग्राफ किसी भी फंक्शन का ग्राफ ऐसे बन जाता है. तो दिस इज द पोर्शन ऑफ कॉनकेव डाउन, ठीक है. तो इसका मतलब -2/√3 टू 2/√3 के अंदर ही ये 0 to 2/√3 इंटरवल है. तो 0 to 2/√3 के अंदर भी हम कॉन्केव डाउन ड्रॉ करेंगे, एंड 2/√3 से मेरा कॉन्केविटी चेंज हो रहा है. और दूसरी बात है कि अगर आप x ग्रेटर देन 0 देखेंगे माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो ये ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा. आप अगर इसको सोच लीजिए, ऐसे हम पॉइंट लेते हैं, यहाँ से सिंस इट इज कॉन्केव डाउन ये हो गया, एंड देन हियर इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2/√3. द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज जीरो. दैट मीन्स देर इज नियर अबाउट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द चेंज इन द स्लोप ऑफ द फंक्शन इज जीरो. देर इज नो चेंज इन द स्लोप ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स ऑलमोस्ट आपका वहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑलमोस्ट स्लोप ऑफ द ग्राफ विल नॉट चेंज, एंड देन इट स्टार्ट चेंजिंग लाइक दिस, ठीक है. तो दिस इज द पोर्शन, ये हमने इवन, सिंस माई फंक्शन इज इवन, आई ऑलरेडी ड्रॉन, कि मैंने राइट साइड वाला ग्राफ ड्रॉ कर लिया. आप सेम इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, ठीक है. द ग्राफ शुड बी सिमेट्रिकल एंड अल्टीमेटली दिस इज द विच ऑफ एग्निस, ठीक है. तो एग्निस ही आपका एक मैथमेटिशियन का नाम के रेस्पेक्ट में ये ग्राफ का नाम दिया गया है. एंड विच, इसमें विच क्यों यूज हुआ है, तो विच अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आप अच्छा पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये जितना तक मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से यहाँ पे विच आ गया है. तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया है कि आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे. लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था न्यूटन सर्पेंटाइन कर्व, और इस लेक्चर में मैंने आपको विच ऑफ एग्नेसी कर्व को कैसे ड्रॉ करना है यूजिंग ऑल दोस स्टेप्स मैंने आपको बता दिया. तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल पर.